और इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। एक मॉडल बेटे ने अपनी फैशन डिजाइनर मां को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे मां की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके कारण बेटे ने यह हरकत की और अपनी ही मां को धक्का दे दिया। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से संवाददाता गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि ये घटना पूरी तरह से स्पष्ट है, बेटे ने अपनी ही मां को धक्का दिया, बताया जा रहा है कि कोई कहासुनी हो गई थी, पुलिस का क्या कहना है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आया है? जी देखिए, पुलिस ने आज सुबह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। शुरुआत से ही शक था कि कहीं ना कहीं पारिवारिक झगड़े में या जो उस रात झगड़ा हुआ था उसके दौरान हाथापाई हुई, और हाथापाई के बाद व्यक्ति घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था और जो वॉश बेसिन था उसको टकराकर उनकी मौत हुई थी। इसीलिए पूछताछ हुई, पूछताछ में लक्ष्य ने यह बात मानी कि उस रात झगड़ा हुआ और झगड़े में अपना उसने गुस्सा जो है आपक हुआ, आपक होने पर उसने दिमाग को चाटा मारा, धक्का दिया और धक्का देने के बाद उनका सर जो था वो वॉश बेसिन पर टकराया और वो वहां पर गिर गए, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। इसीलिए पुलिस ने इसमें 304A गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। हालांकि पूछताछ अब भी चल रही थी कि उस घर में उस समय उस लक्ष्य की फियांसे भी थी तो उनका रोल है क्या, इसका भी इन्वेस्टिगेशन चला, लेकिन फिलहाल लक्ष्य जी हाँ बिल्कुल तो इस एंगल से भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि उनकी जो दोस्त मौजूद थी क्या उनका भी इस पूरे गैर इरादतन हत्या का जो मामला है उसमें किसी प्रकार का कोई रोल तो नहीं है। शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।